आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हीमोफीलिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, मतलब हीमोफीलिया जो है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में समान रूप से पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर चार ऑप्शन है। यह एक कह सकते हो, यह रोग एक संलग्न प्रभावित परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा, यह लड़कियों की संख्या का बहुत बड़ा भाग बाल्यावस्था में मर जाते हैं। ठीक है, और तीसरा है, यह रोग एक संलग्न अप्रभावित परिवर्तन द्वारा होता है। चौथा, यह रोग वायु संलग्न अप्रभावित परिवर्तन या उत्परिवर्तन द्वारा होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को होता है उसमें रक्त का थक्का, ठीक है, रक्त का थक्का यानी जमाव नहीं होता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, उसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं। उस व्यक्ति को हीमोफीलिक व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, इसकी वंशागत देखें तो एक्स संलग्न, ठीक है, एक्स संलग्न ये अप्रभावी रोग होते हैं, मतलब इनके जीन जो होते हैं एक्स संलग्न एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और अप्रभावी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मादा में होंगे तो रोगी मादा को रोगी होने के लिए दोनों गुणसूत्र पर जीन होने चाहिए। ठीक है, एक पे होंगे तो वाहक होंगे, मादा वाहक होगी, और दोनों पे होंगे यहाँ पर, जैसे नर है तो यहाँ पर एक ही एक्स होते हैं, तो यहाँ पर नर क्या होगा, एक एक्स पर रोगी होगा। ठीक है, तो नर में यहाँ पर एक ही एक्स होता है, तो इसीलिए नर में जब भी ये जीन पाए जाते हैं तो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होने की वजह से नर में ज्यादा ये पाए जाते हैं। ठीक है, और मादा में दो गुणसूत्र एक्स होते हैं, तो इस पे एक अगर एक पे होगा अगर जीन, दूसरा समान होगा, इसीलिए यहाँ पर लक्षण कम देखने को मिलते हैं मादा में। तो वही कंडीशन है कि हीमोफीलिया जो महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, मतलब अधिक पाया जाता है, तो यही कारण है कि उसमें एक ही गुणसूत्र होता है एक्स। ठीक है, तो पहला हमारा, यह रोग एक्स संलग्न प्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है, तो अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है, गलत हो जाएगा। दूसरा, लड़कियों की संख्या का बहुत बड़ा भाग बाल्यावस्था में मर जाते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा, यह रोग एक्स संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन का मतलब जैसे कोई जीन है तो वो परिवर्तित हो गया, मतलब यहाँ पर एक्स वाई थे तो यहाँ पर एक्स पे जीन उत्परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, मतलब म्यूटेंट हो चुका है, तो यह राइट हो जाएगा। चौथा, कह रहे हैं यह रोग वाई संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन द्वारा होता है, तो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन तीसरा होगा, पहला, दूसरा, चौथा गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।